क्लियर होती हैं ज्यादातर एमएस वर्ड की कमांड्स हैं सारी की सारी। और एमएस वर्ड में अगर कमांड्स की बात की जाए तो हमारे पास ए टू जेड कमांड्स अवेलेबल हैं। ए टू जेड मींस ए टू जेड सीरीज कंप्लीट। और अगर ये वाली ए टू जेड सीरीज की कमांड्स को क्लियर कर लिया जाए अगर, तो ये तो सीख ही जाओगे, एमएस वर्ड ही पूरा कंप्लीट हो गया। और आगे चल के आपको जरूरत भी पड़ेगी, कभी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ी वहाँ काम आ जाएंगी, कहीं स्पेसिंग देनी है, क्योंकि आपके कॉलेज में जो रिपोर्ट्स होती हैं उसकी स्पेसिफिक फॉर्मेट आएगा आपके पास, ठीक है ना। कोई 14 का होना चाहिए, 16 के क्या होने चाहिए, वो मेन हेडिंग होने चाहिए, सब हेडिंग 14 के, 12 का मेन कंटेंट, इस तरीके का एक फॉर्मेट आएगा। तो वहाँ पे ये कमांड्स हेल्प कर सकती हैं काफ़ी। तो कमांड्स क्या आ जाएगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा कमांड लिख लूँ पहले सारी में, कौन कौन सी कमांड्स आ गई यहाँ पे, ए टू जेड कमांड्स आ गई, ये ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे, ए बी, ये क्या कर रहा है, तो ड्रैग ही नहीं हो रहा, चलो खुद ही लिखनी पड़ेंगी, यही लिख लेते हैं। स्मॉल लेटर में चलती हैं सारी, वो अलग बात है, यहाँ कैपिटल आ रहा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, आगे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई, ये सारी मैंने कमांड्स लिख ली यहाँ पे पहले। अब आप इस तरीके से लर्न, जितनी कमांड्स हैं वो सारी किससे चलेंगी, कंट्रोल से, सी टी आर एल मीन्स कंट्रोल, और कंट्रोल का साइन कौन सा होता है, ये साइन होता है, जहाँ भी ये साइन लगा होगा इसका मतलब ये समझ जाओ कि आप वो पर्सन जो है वो कंट्रोल की बात कर रहा है, ये कंट्रोल कमांड्स है, कंट्रोल प्लस बोलते हैं इसको हम। और कंट्रोल के साथ कौन सी कमांड आ गई सबसे पहले, ए, इसका मीनिंग होता है सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, जितना डॉक्यूमेंट होगा सारा सेलेक्ट होगा। बी फोर बोल्ड, कंट्रोल बी, ये बोल्ड हो गया ना, ऐसी याद होती है ये। ए फोर एप्पल की जगह आप अब ये बोलना शुरू कर देना ना, तो सी से क्या हो गया कॉपी, डी से वो अलग बात है कि इसको ये फॉन्ट के लिए यूज होती है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज हो जाएगी, कंट्रोल डी, ये फॉर, ये खुल जाता है फॉन्ट फॉर्मेटिंग, सारा कंप्लीट ओपन हो गया ना यहाँ पे, ये कंप्लीट ओपन हो गया, रेगुलर करना है या जो भी करना है। तो ई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ई फॉर ई रेज, नहीं सेंटर, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये ऐसे भी सेंटर बनता है और ऐसे भी सेंटर बनता है, वो अमेरिकन और यूके का, लेकिन ये यूएस इंग्लिश के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा है। एफ फॉर फाइंड, अगर कुछ भी फाइंड करना हो तो कंट्रोल एफ करके कुछ नेविगेट किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। और जी फोर क्या हो गया, वही गो टू, अभी इनको एक्सप्लेन करते हैं सबको। एच फॉर हाइपरलिंक, आगे आएगा, ये हाइपरलिंक के लिए यूज होता है, ये यूज करके दिखा दूंगा अभी सारी में। आई से इटैलिक होता है, आई फॉर इटैलिक, जे फॉर जैक, नहीं जस्टिफाई, एक मिनट गलत हुआ है यहां पे, ये वाली गलत कमांड लिखी मैंने। एच फॉर होता है रिप्लेस, एच से रिप्लेस, के से हाइपर लिंक आता है, लास्ट उठा लिया के इसका। और एल से क्या हो गया यहाँ पे, लेफ्ट अलाइन, एम को अभी खाली छोड़ते हैं, ये इंडेंटेशन की कमांड है। एन से क्या हो गया, न्यू डॉक्यूमेंट, और ओ से ओपन डॉक्यूमेंट, और प्री ऑलवेज सबके लिए क्या चलता है, प्रिंटिंग के लिए चलता है। और क्यू को भी अभी खाली छोड़ते हैं, ये भी इंडेंटेशन के लिए यूज होता है,
ये होता है आपका राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइन, एस मतलब सेव, इंडेंटेशन है ये भी, क्या होती है इंडेंटेशन बताता हूँ अभी मैं, यू फॉर अंडरलाइन और वी से पेस्ट, डब्ल्यू से क्लोज डॉक्यूमेंट, एक्स कट, वाई रीडू और ये अंडू। ये सारी कमांड्स जो है हमारी ए टू जेड कमांड। अब किसका क्या मीनिंग है, कुछ तो इजी समझ में आ जाएंगे, कुछ तो इजीली समझ में आ जाएंगे। ये बड़ा इजीली समझ में आ जाता है, कंट्रोल ए, बी फोर बोल्ड हो गया जैसे, ये थोड़ा सा बोल्डिश लुक दे देता है, यहाँ पे डार्क करना हो किसी को, ज़्यादातर हेडिंग पे यूज होता है। और सी फोर तो कॉपी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो हमें बहुत अच्छे से आता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सेंटर अलाइनमेंट, जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो ना तो होता क्या है, देखो कंट्रोल एन करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ आर ए एन डी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये कुछ डमी टेक्स्ट लिख के दे देगा मेरे को। कमांड को सीखने के लिए कंट्रोल ए किया मैंने, क्या कर दिया इसने सबको, और मैंने कंट्रोल ई किया तो ये सेंटर हो गया। ये कमांड जो है ये सिलेक्टेड रीजन पे काम करेंगी, ये जो कॉपी वाली कमांड है, फॉर्म फॉर्मेटिंग वाली कमांड है, ये सारी सिलेक्टेड रीजन पे काम करेंगी। सिलेक्टेड रीजन मीन्स आपको चलाने से पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट में आ गया, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट। मेरे को कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट अलाइंड है, इधर से देखो जरा और इधर से देखो जरा, जिगजैग बन रहा है ना, जिगजैग नहीं होना चाहिए। ये कौन सा, किस साइड जिगजैग दिखा रहा है, तो ये कौन सा वाला हुआ, राइट अलाइन। हम ज़्यादातर किस पे काम करते हैं, जेड पे, जे पे, दोनों साइड में इक्वल आ रहा, जस्टिफाई पे काम करते हैं। वैसे तो ये कमांड्स यहाँ पे भी हैं, तभी मैंने कहा कि अगर ये कमांड्स आ गए हमारे, ये वाला तो पूरा पोर्शन क्लियर वैसे ही हो गया। इसके साथ कुछ और कमांड्स भी जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कंट्रोल के साथ टू, कंट्रोल टू डबल लाइन स्पेस, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आपके जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसमें कितनी होती है, 1.5, तो कंट्रोल 5 करना बस आपको, कंट्रोल 5 करना आपको बस। इसका मतलब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स ऐड ऑन हो गई, यानी कंट्रोल के साथ अगर आप कहां गया कंट्रोल, कंट्रोल वन ये सिंगल लाइन स्पेस, टू डबल और फाइव वन एंड हाफ जैसे कह सकते हैं, ठीक है ना, 1.5 कह लो या 1.5 कह लो, इतना लाइन का स्पेस वो जनरेट कर देगा। ये हमारे लिए जो जरूरत की कमांड है वो यही रहती है, हो गया पॉइंट क्लियर ये वाला। और कई बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाते हुए मैं कुछ है अंडरलाइन एंड ऑल दैट करना होता है, तो अंडरलाइन करने के लिए पहले मैंने सेलेक्ट किया, माउस से कर लो सेलेक्ट, यहाँ आप शिफ्ट का बटन प्रेस करो और डाउन की प्रेस करो, एरो की डाउन की, ये पूरी लाइन सेलेक्ट कर लेगा, दूसरी तीसरी चौथी। अगर सिर्फ आपको ये वर्ड सेलेक्ट करना है तो पहला तरीका क्या है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और राइट की प्रेस की, तो ये करेक्टर एक एक करके सेलेक्ट करेगा, और कंट्रोल का बटन प्रेस कर दिया तो एक एक वर्ड, और अगर आपने कंट्रोल के शिफ्ट का बटन प्रेस करके एंड का बटन प्रेस किया तो ये पूरी लाइन, ये देखो, और शिफ्ट का बटन प्रेस करके डाउन की प्रेस की तो पूरा पेज, बस शिफ्ट का बटन प्रेस किया आपने और कुछ नहीं किया साथ में, बाकी कॉम्बिनेशन अपने आप चलते रहेंगे। शिफ्ट के साथ अगर मैं कंट्रोल के साथ क्या किया मैंने यहाँ पे, क्या लाइन दिखा रहा है, डबल लाइन दिखा रहा है, शिफ्ट कंट्रोल डी डबल अंडरलाइन के लिए होता है। अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है, सिंगल करना है तो यू, और अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने सी टी आर एल मीन्स कंट्रोल प्रेस करना है, उसके साथ प्रेस कर देना आपने डी,
डीम कैपिटल में लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि शिफ्ट के साथ जो भी प्रेस आता है उसका चेंज हो जाता है, स्मॉल में है तो कैपिटल, कैपिटल है तो स्मॉल, तो मैंने डी लिख दिया कैपिटल में, ये क्या करेगा डबल डबल अंडरलाइन करना शुरू कर देगा। तो इसमें देखें तो कौन कौन सी कमांड्स हमारी क्लियर हो गई अभी, ए बी सी फाइंड। इस पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च करना हो तो, जैसे कई बार हम प्रोग्राम लिखते हैं और कोई कीवर्ड गलत लिख दिया, जैसे कल एक प्रोजेक्ट था हमारे पास जिसमें जगह जगह सी एल आर एस सी आर लिखा हुआ था, किसी का था प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके लाया था, तो उसकी जगह मेरे को सारी जगह क्या लिखना था सिस्टम, तो मैं क्या करता ऐसे ही कर लेता, अगर कंट्रोल एस करके यू मिल जाए मेरे को कहीं पे, देखो दैट इज रिप्लेस बाय कंट्रोल एच, यू की जगह मैं तुम कर दूं, रिप्लेस ऑल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यू योर की जगह अगर वो, तो इसलिए क्या करते हैं रिप्लेस करते हुए बहुत ध्यान देना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई किसी चीज का मीनिंग, ये आप लोगों ने उसमें जरूर देखा होगा, हाँ थ्री इडियट पॉसिबल है ऐसा। लेकिन एक्चुअली उन्होंने स्क्रिप्ट ऐसी लिखी थी कि वो मैचअप हो गई, लेकिन इतनी भी नहीं मैचअप होती कभी ना हो। गो टू किस लिए यूज होगा? अब मान लो मैं, मेरे पास कितने पेजेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एक, मुझे सेकंड पेज पे जाना, तो कैसे करेंगे? एंटर लगाने पड़ते हैं बहुत सारे, एक, अब मुझे थर्ड पेज पे जाना है फिर एंटर लगाने पड़ेगा, कुछ कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर मींस पेज ब्रेक बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है पेज ब्रेक। करना क्या है, सिर्फ कंट्रोल के साथ एंटर, ये काम आने वाली है चीजें आपकी भी, बीच में पेज खाली छोड़ना था मेरे को, सीधा जंप करना था, सॉल्यूशन तो है हमारे पास, टाइम कंज्यूम हुआ यहां पे ना, कंट्रोल एंटर 26 पेज है, मेरे को डायरेक्ट जाना है किस पेज पे, थर्ड पेज पे जाना है, मेरा कर्सर किस पे है 26 पेज पे, मुझे थर्ड पेज पे जाना, क्या करें, कंट्रोल जी थर्ड, किस पेज पे हूं अभी इस, तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी की बड़ी बनी होती है तब इसकी जरूरत पड़ती है, हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, कोई बुक आ सकता है, वेस्ट नहीं है मेरे, हमारे तो काम आ जाती है बुक, अपना कोई बहुत बड़ी बुक का भी कोई सर्च करते हुए, तो यहाँ पे ये कमांड गो टू रिप्लेस भी हो ही गया, इटैलिक बड़ी सिंपल सी है, वो तिरछा सा कर देगा और कुछ नहीं है, जस्टिफाई लेफ्ट अलाइनमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, अच्छा न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से करें, यहाँ भी तो ऑप्शन होती है, यहाँ पे क्लिक किया फिर यहाँ क्लिक किया, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग, कंट्रोल एन करके तो पता भी नहीं चलता कब डॉक्यूमेंट जनरेट हो गए यहाँ पे, ये देखो, और कंट्रोल डब्ल्यू किया तो यहाँ से ये बंद होने शुरू हो जाएंगे, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट, ये क्लोज करने के लिए यूज होगा। तो हाइपरलिंक किसके लिए यूज होगा, मान लो आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिंक्स देने हैं, आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो अपना और आपने अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, फेसबुक की एक प्रोफाइल भी बना रखी है, तो हमने यहाँ पे ये देना कि भाई रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब पे इस लिंक पे पड़ी हुई है, डायरेक्ट जंप कर दे वहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल लिख देता हूँ सिंपल, लेकिन ये मेरे से लिखा गया स्मॉल में, मेरे को तो कैपिटल में लिखना था, क्या करेंगे, डिलीट करके दोबारा लिख देंगे, शिफ्ट के साथ F3, स्मॉल में है, दोबारा प्रेस किया तो पहला लेटर उसने बड़ा कर दिया, प्रॉपर केस बोलते हैं इसको हम, और ऐसा होता है हमारे पास, लिखना शुरू करते हैं ना जब हम, तो स्मॉल में लिखा जाता है, नहीं लिखना चाहिए वैसे वैसे, और दोबारा प्रेस किया तो ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया, तो इसका मतलब, इस कमांड का मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, चेंज केस, ये शिफ्ट के साथ F3
ये कमांड बनती है इसकी। तो कमांड के बाद क्या करते हैं, मैंने इसके ऊपर कंट्रोल के किया और यहां पे क्या लिख दिया हमने, एड्रेस लिख दिया पूरा। यहां पे मैंने लिख दिया HTTP:// जैसे लिखते हो पूरा, एफ बी वाला मैंने लास्ट टाइम में कभी यूज किया था तो आ रहा है यहां पे, और ओके कर दिया मैंने। कंट्रोल के साथ जब कोई क्लिक करेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर सकते ना, नहीं तो सारे लिंक ओपन नहीं शुरू हो जाएंगे। ये देखो चलें कोई और बना लेते हैं। YouTube का ही कोई चैनल ओपन करवाना हो अगर आपको, तो मान लो आपने लिख दिया यहाँ पे, कुछ और लिख लेते हैं, Facebook लिख लेता हूँ मैं, Facebook लिख दिया मैंने, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के किया, और यहाँ एड्रेस लिख दो। और एड्रेस कैसे लिखते हो, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ आपने क्या लिख दिया, एफ बी लिख दिया। यहाँ एड्रेस पास करना, तो पूरा एड्रेस पास कर दो, ठीक है ना, पूरा एड्रेस पास कर दो आप यहाँ पे, और ओके करेंगे जैसे आप, कंट्रोल के साथ चलेगा बस, ये ओपन हो गया। नहीं तो ऐसे ही चलने लग गया ना, तो फिर सारे लिंक ओपन भी शुरू हो जाएंगे। तो कई बार हम जब अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कभी नोट्स बनाते हैं ना, तो लिख देते हैं ऐसे पूरा बीच में, और क्या करते हैं पर लिख देते हैं क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या कुछ नोट्स बनाए मैंने और उसके कुछ यूट्यूब के वीडियो भी बना रखे हैं तो नीचे लिंक दे देंगे हम। हाइपर लिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। देखो क्राइटेरिया है, जिसकी ज़रूरत जहाँ पर ख़त्म हो जाए वहीं पर ख़त्म सब कुछ। अब ये पॉइंट क्लियर हो गए, ये भी क्लियर ही है, प्रिंट वाला भी तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ और है कि मुझे पूरे का प्रिंट नहीं निकालना, मुझे इतने का प्रिंट निकालना था बस ये। तो आप कंट्रोल पी करो और यहाँ पे ऑल पेजेस की जगह पे सिलेक्टेड प्रिंट सिलेक्शन कर दो, सिर्फ जितना सेलेक्ट किया एरिया उतनी प्रिंट निकलेगी। प्रिंटिंग के ऊपर पूरा हाफ एन आवर का लेक्चर है, कैसे निकलनी चाहिए, ट्रे में कैसे पेपर लगाने चाहिए, पेपर में पेपर लगाने का भी एक तरीका होता है ना, कैसे मतलब वाला, मान लो आपके पास 100 पेजेस हैं, तो 100 पेजेस कैसे निकलेंगे, मैं चाहता हूँ पेजेस मेरे ऐसे निकलने चाहिए, ये सिंगल पेज है, एक साइड खाली रहती है आप लोगों की, मैं चाहता हूँ एक इधर आए एक इधर आए, कैसे करोगे, पहले एक लगाओगे फिर उल्टा करके लगाओगे, आप ऐसे मत करो। नीचे एक ऑप्शन आती है, एक छोटी सी ऑप्शन आती है यहाँ पे इवन ओड की, पहले पेज क्या निकालो इवन ओड वाले, इवन ओड के हिसाब से चलो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, हाँ बोथ साइड लिखा होगा ना यहाँ पे बोथ साइड, तो यहाँ पे निपर ऑप्शन भी तो आएगी ना यहाँ पे, पेज सेटअप में जाएं अगर यहाँ पे, ये तो पेज सेटअप हो गया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी जिसमें लिखा होगा कि पहले कौन से पेज निकालना चाहते हो, इसे आज तक चेंज कर दिया, ये नए वाला जो आया है ना इसे चेंज कर दिया। ये बोथ साइड क्या करेगा, पहले इवन पेज निकाल लेगा, इवन मतलब वन सॉरी पहले ओड निकाल लेगा, पहले वन फिर थ्री, तो जब उल्टा करके पेज लगाओगे तो उसके बाद कौन से निकाल लेगा, इवन निकाल देगा, पहले ओड निकाल ले फिर उसने इवन निकाल ले, तो इस तरीके से अप्लाई करना शुरू कर देगा ये वाला। तो इसके ऊपर तो बहुत सारी ऑप्शन रहती हैं, सेव हमें पता ही है, लेकिन सेव के साथ एक और आता है कि मान लो इस पेज की मेरे को डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, सेव एज कहते हैं जिसको हम, F12 का बटन होता है इसके लिए। सेव रेगुलर सेव के लिए होता है, कंट्रोल एस रेगुलर सेव, लेकिन जब आपको किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी होती है तो F12, तो F12 क्या करता है यहां पे, F12 ये क्या करता है, सेव एज टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ये भी क्लियर ही है, अंडू और रीडू में क्या फर्क है, मान लो मैंने कुछ लिख दिया यहां पे, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल जेड रीडू, पॉइंट हो गया क्लियर। अब फाइनली इसमें जो मैंने ब्लैंक छोड़े हैं इनका मीनिंग क्या है, इनको कहते हैं हम इंडेंटेशन, इंडेंट कहते हैं इसको, ये सिलेक्शन पे चलेंगे,
मैंने मान लो सारे सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल एम किया, शिफ्ट कर रहा ये वाला पॉइंटर आके, अब डॉक्यूमेंट कहां से लिखना शुरू करेगा, यहां से लिखना, ये इस एरिया में नहीं लिखना शुरू करेगा। और थोड़ा पीछे करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल एम से आगे जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एम से पीछे आना शुरू कर रहा है, कंट्रोल एम से आगे इंडेंट, लेफ्ट टू राइट इंडेंट हो रहा है। और गलती से आपने इंडेंट कर दिया और कंट्रोल क्यू करेंगे तो क्या करेगा, क्लियर कर देगा, क्विट कर देगा इसको। ये देखो जरा, ये इंडेंटेशन है, इसलिए लिखा नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने अलग बताया इसको। और किस पर्पज के लिए यूज करते हैं हम इसको, ये जब तक हमने, जब हमने बुलेट्स लगा रखे होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, चलो आ ही गया तो एक ये डाल देते हैं, सेलेक्ट किया मैंने बुलेट्स के लिए भी सर कोई कमांड होती है? नहीं, बुलेट के लिए वो यहीं से आएगी। अब देखो कंट्रोल एम किया तो क्या करेगा, ये आगे जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल सेंटर में सेट करने पड़ जाते हैं, हमें वापस जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम। और कोई पर्सन ये बोलेगा कि भैया ये बुलेट के बीच का स्पेस नहीं बढ़ सकता, तो कंट्रोल टी, और ज्यादा बढ़ गया तो कंट्रोल शिफ्ट टी। तो ये इसकी एबीसी है। वैसे प्रिंट निकालने से पहले हम क्या देखते हैं, प्रिंट का प्रीव्यू, कंट्रोल ऑल्ट आई, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट निकालने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि भैया वो बाहर तो नहीं जा रहा, मार्जिन ओवर तो नहीं हो रहे, तो प्रिंट प्री व्यू, ए एल टी मीन्स ऑल्ट प्लस सी टी आर एल कंट्रोल, और इसके साथ क्या चलेगा, आई, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो ये पूरी की पूरी जो कमांड्स हैं, वैसे और भी होती हैं लेकिन इतनी कमांड्स भी हमें अगर पता है। सर वो जब बैक स्पेस ना दबाए वो जो वर्ड डिलीट मार देते हो, नाउ रिप्लेस कर देते, वो कौन से वाला कह रहे हो भला, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे जी आर ए पी ई डबल एस लिख दिया मैंने यहाँ पे, मान लो ये वाला लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, ऐसे स्पेस जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये इंसर्ट का बटन आता है कि यहाँ पे ये ओवरराइड करता रहेगा जी आर, ये देखो जरा हुआ नहीं अभी, ठीक है वो मेरे वाले में तो हो ही नहीं रहा, ये भी गलती से चलते हैं लगता है, ये वाले इंसर्ट दबा लो, नहीं ये चल ही नहीं रहा, ये वाला पर चल चलता है ये वाला। तो वो क्या करेगा, इसको ना इस तरीके से वो डिलीट करना शुरू कर देगा, ओवरराइड करना शुरू, वह तो मत ही ऑन करो तो ठीक है, उसको लिखा लिखाया सारा खराब कर देता है वो, मेरे लैपटॉप में हो जाता है वो, टाइप करते करते कहीं ना कहीं हाथ लग जाता है। तो ये कमांड्स जो मैंने बताई आपको, ये थोड़ी रखना अपने माइंड में थोड़ी बहुत। और ये डॉक्यूमेंट जब आप बनाओगे अपना, तो इसके बेस पे आप बना